आज सड़कों पे पूरा बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग उतरे हैं। उसी तरीके से हमारे गायक हैं तरुणम बौद्ध जी हैं, हेमंत जी हैं। हेमंत जी, क्या लगता है कि आज ये बिना किसी आंदोलन किसी नोटिस के इतना रोडों पे सड़कों पे आरोश क्यों उतरे हुए? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैसेज हमने और हमारे साथियों ने जो फॉरवर्ड किए, उसके माध्यम से ये जो आज आक्रोश जो बहुजन का यहाँ पे सड़कों पे उतरा है, सबसे ज़्यादा देखने की बात इसमें ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंटेलेक्चुअल क्लास आज आपको बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। जो छात्र हैं, प्रोफेसर हैं और हर तबके का जो यहाँ पे युवा वर्ग है, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी मैंने देखे नेताओं के साथ साथ, बहुत सारी पार्टियों के झंडे भी आप देख रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन है। जी, आप जगह जगह जाती हैं, पूरे देश विदेश में आपने दौरे करे हैं, लेकिन इस तरीके का आंदोलन बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो क्या कारण है कि आज सभी लोग अपने झंडे बैनर सब एक ही रोडों पे लेके चल रहे हैं? देखिए, जब बात आरक्षण की हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जिस तरीके से 13-point रोस्टर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया गया, तो ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से बिना डायरेक्टली जो हमारा आरक्षण है उसको ख़त्म किए हुए एक ऐसा फॉर्मूला दिया सरकार ने जिससे कि हमारा अपने आप ही आरक्षण SC ST OBC इसका ख़त्म होता है। तो यही मतलब चाहे देश विदेश की बात हो या कहीं पे भी, ये आंदोलन आज बाबा साहब को जो हम इतना मानते हैं, जो उनके द्वारा हमें दिए गए हक और अधिकार हैं, जब हम देखते हैं कि उनका हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये कानून लागू किया गया, जो 13-point रोस्टर आया, इसका पुरजोर विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे युवा हैं, जो SC ST OBC तबके के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, आज उनका जो भविष्य है, जो उनका करियर है, वो अधर में जाता नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले ही यदि हम आगे भी जर्नल से भी फाइट करना चाहें तो भी हमारी कास्ट को देखकर हमें पहले ही उस कैटेगरी से तो अलग किया ही जाता है और स्पेशल टारगेट किया जाता है कि ये जनरल कैटेगरी की सीट से तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो भी फलानी कैटेगरी के हैं तो हमें पहले ही टारगेट कर लिया जाता है। और इसी तरीके से 13-point रोस्टर से तो ये क्लियर ही हो रहा है कि हमारी सीट ही ख़त्म कर दी गई है। तो आज आप देख सकते हैं कि बहुत एलीट क्लास यहाँ पे पूरी दिल्ली की, चाहे JNU हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जाकिर हुसैन कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज और फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबके प्रोफेसर, सबके एलीट क्लास यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर है और इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। और हम सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी केंद्र में सरकार है उससे ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारा 200-point रोस्टर वापस लागू कीजिए। 13-point रोस्टर नहीं चलेगा, ये हमें नहीं चाहिए और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 2019 नज़दीक है और हम ही क्या, पूरा समाज, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत में क्या चल रहा है। अभी इलेक्शंस बहुत पास हैं और ये 13-point रोस्टर का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक अपना रोल अदा करेगा इलेक्शंस के टाइम पे, क्योंकि जब हक और अधिकार ही छीने जा रहे हो विद्यार्थियों से और जो हमारे समाज का जो भविष्य है, समाज का ही नहीं जो भारत का भविष्य है, यदि उसी को अधर में डाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2019 में सोच समझ कर ही निर्णय लिए जाएंगे। एक बात है, पहले SC लोग सड़कों पर अधिकतर देखने को मिलते थे, लेकिन अब SC ST OBC सभी एक साथ सड़कों पर आ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कहाँ तक 2019 के इलेक्शन पर रिजल्ट आएगा? देखिए, आज बहुजन गवर्नमेंट के लिए, बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट के लिए, इसलिए क्योंकि आज बहुजन समाज का SC ST OBC वर्ग, साथ में माइनॉरिटीज भी आप ऐड कर सकते हैं, 85% जो लोग हैं उनके हक अधिकार को छीनने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो आने वाले चुनावों में ज़रूर जनता और खासकर SC ST